बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,000 से भी अधिक वोट के अंतराल से हराकर शानदार जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली और ढोल लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच गए। 10,000 से भी अधिक वोट के अंतर से हराकर शानदार जीत हासिल की। जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को दिया गया। ग्रामीणों की समस्या के मुद्दे वह विधानसभा में भी उठाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और नमन करता हूँ सिर झुका के। हाँ जी। और यह जीत अलका बड़ौदा की 36 बिरादरी की जीत है। यह जीत हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। और यह जीत मेरे भाई हरियाणा का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। और बड़ौदा अलका ने यह बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़ी। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं, पर पूरा फर्क पड़ेगा, आप देखना। इस सरकार की चूल लाने का काम करेगा अलका बड़ौदा। अलका बड़ौदा की इसको श्रेय देना चाहते हो? इसका इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय देते। क्या ये मार्जिन ज्यादा भी हो? ये मार्जिन कितने कितने वोटों से आपको जीत हासिल हुई है? 10,270 से। सर्टिफिकेट प्रशासन ने दे दिया? नहीं, अभी दिया नहीं, अभी लेके आऊंगा। पहले आपसे आपके पास आया क्योंकि आप ज्यादा देर से इंतजार कर रहे थे। कौन से ऐसे काम हैं जो आप उठाएंगे आवाज विधानसभा के अंदर? सबसे पहले तो जो बीजेपी ने घोषणा की है ना, कहीं IMT की, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, इनको पूरा करवाने का काम करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार इनके ऊपर प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा इनके बारे में विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और बड़ौदा का रोड बढ़ जाएगा। आपकी नजरों में विशेष रूप से क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले किसान, मजदूर, गरीब, भ्रष्टाचार, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इनकी सबसे पहले प्रथमा। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहते हो? मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो अलका बड़ौदा के 36 बिरादरी ने गरीब किसान के बेटे को ये आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं इनका ऋणी रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 24 घंटे अलका बड़ौदा की सेवा में रहूं। बहुत बढ़िया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।